हम लोग अच्छा आपदा प्रबंधन को और कुछ दुरुस्त करेंगे और इस आपदा में हमें जो 16 तारीख को पूर्वानुमान मिल गया था कि इतनी बड़ी वृष्टि होने वाली है, बरसात होने वाली है, उसको लेकर आपदा प्रबंधन की लगातार हम लोगों ने हाई पावर कमेटी की मीटिंग करी और उस मीटिंग से सभी लोगों को अलर्ट किया। उसका नतीजा भी निकला कि हमारे यहाँ पर 1,00,000 लोग आए हुए थे, 4 धाम यात्रा पर थे, पूरे उत्तराखंड की यात्रा पर थे। उस 1,00,000 लोगों में से एक भी कोई भी हताहत नहीं हुआ और उसी का जो आज बहुत बड़ी और भी इससे बड़ी भी हमको जो है नुकसान हो सकता था, अलर्ट होने के कारण से नुकसान हमारा कम हुआ। आगे हम इसको और अच्छा करेंगे। अभी तो हमारी पहली प्राथमिकता है कि सभी लोग जो आपदा से ग्रसित हैं उन सभी लोगों को राहत मिले और काम तेजी से चले। जो हमारे संपर्क मार्ग बंद हो गए हैं उनको जल्दी से जल्दी खोलें, संचार की व्यवस्था को रिस्टोर करें, बिजली की व्यवस्था को रिस्टोर करें। साथ में हमारा कई क्षेत्रों में जहां जल भराव इत्यादि की जो समस्याएं हो गई वहां पर कोई और बीमारी न हो, डेंगू मलेरिया इस प्रकार की बीमारियों से बचाव के लिए जो जरूरी कदम है वो उठाने के लिए हमने कहा है।